Good evening to everybody. I hope you all are doing great. I hope you all are ready for the session. So this is, I'm very excited for this session because this is something जो मैं बहुत टाइम से आपको मतलब लाइक कराना चाहती थी. The quiz on national parks and wildlife sanctuaries. So I hope कि जैसे मैं excited हूँ इस session के लिए, you guys are also excited for the session. So come on, do let me know in the comment section everybody कि मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं. And a very very warm welcome on an Academy Class 6 Standard channel. So good evening Bachapati, how are you guys doing? Okay, so do let me know in the comment section kaun kaun aa chuka hai. Good evening Shubhangi, hi Prachi ma'am, Prabhu here, hi Prabhu. Good evening Pragya, Uditi Datta, hi everyone, hi Rohan, hi Kirti, hi Harshika, okay, hi तनेश्वर बोरा. हाय बच्चा एवरीबॉडी, चलो अपने फ्रेंड्स को बुला लो. विदाउट एनी डिले वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर. और ये दिस इज नॉट अ चैप्टर, दिस इज अ जस्ट अ टॉपिक फॉर यू. ऑफ कोर्स आप सभी को पता है हमारे मतलब लाइक कंट्री में कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. सो अ काइंड ऑफ ये सेशन ऐसा होगा कि आई हैव जस्ट पुट इन द सम क्वेश्चंस एंड उन सारी चीजों को पहले हम पढ़ेंगे, राइट. अभी हम For first 30 minutes, we are going to do a, kind of a, you can say theory session कह सकते हो या revision कह सकते हो. मैं आपको पहले proper सारी चीजें बताऊंगी, national parks क्या होते हैं, wildlife sanctuaries क्या होती हैं and everything. Then we'll have mentee quiz, ठीक है. So तब तक आप अपने सारे friends को बुला लो और मुझे बता दो कौन कौन monitor बनना चाहता है, right? Let's start the session without any delay. तो कोई भी बच्चा जिसने मेरा last session miss किया हो, that was totally about food and components of food पर था, balanced diet, components of food and everything. So अगर आपने वो session miss किया हो तो you can watch it in my playlist. आप मेरे playlist में देख सकते हो. फटाफट से जाकर अभी session को मेरी playlist में देख लो. That is completely about food and components of food. Hi everyone, Uditi wants to be the monitor. So monitor कौन बनेगा, जल्दी से मुझे बता दो. Yes, I am absolutely fine Bhavya. Jasmita, आप थे monitor last में. Last में मैंने किसको बोला था, मुझे हर्षिका को बोला था. Okay, हर्षिका, हर्षिका और एक मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, शबीब ऐसे करके कुछ था, है ना, मैंने उसको भी बोला था. वंशिका बन जाओ, हर्षिका बन जाओ monitor. और भव्या, ठीक है. हाय नायशा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन बच्चे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है. एंड रोमी, चार लोग मॉनिटर बन जाओ, ठीक है. अगर इफ समबडी आस्किंग फॉर मेंटी, टेल देम 6:30 पे विल हैव मेंटी. हम 6:30 या 6:40 पे स्टार्ट कर देंगे मेंटी, राइट. 40 पर स्टार्ट करेंगे, नॉट 30, 6:40 पे स्टार्ट करेंगे. टिल देन विल हैव सम टॉपिक्स जिसे हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर मेंटी में क्वेश्चन कैसे करोगे अगर कुछ पता ही नहीं होगा तो, है ना. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सेंचुरीज और पार्क्स के बारे में इंडिया की. फिर उसी से रिलेटेड देयर विल बी 13 क्वेश्चंस इन द क्विज, 13 क्वेश्चंस होंगे क्विज में. एंड देन विल हैव सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन. तो 6:35 तक अप्रोक्स, लेट मी जस्ट इरेज द टाइम, 6:35 तक हमारा हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है. 6:35 तक स्टार्ट हो जाएगा, नॉट 40, 6:35 तक. ओके, हेलो एवरीबॉडी जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हेलो एवरीवन, कॉल योर फ्रेंड्स हियर, वी गोना हैव सो मच फन इन दिस सेशन. तो फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो. वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी, दिस इज योर साइंस एजुकेटर प्राची सिंह एंड आई हैव डन माई मास्टर इन कॉमर्स और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है. आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 1.5 ईयर इन टीचिंग एज वेल. And I am teacher by heart. I really love connecting with each one of you. So this is a little introduction about myself. And yes, आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं if you want to have 10% का discount. And अगर आपने कॉम्बैक्ट मिस कर दिया हो तो कॉम्बैक्ट में भी अभी जाकर इनरोल कर लो, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और गेटिंग फ्रॉम अनअकैडमी जब आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है. तो टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन इट ऑल्सो बच्चा. वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, सेशन के नोट्स मिल जाएंगे और यू कैन इंटरैक्ट विद द टीम एज वेल देयर.
तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दी गई हुई है टेलीग्राम चैनल की क्लास सिक्स के, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द टाइमिंग 6:35 पे मेंटी होगी, ठीक है। हाय जयचंद, हेलो एवरीवन, हाय मोहित, हाय शिवानी, चलो जल्दी से मॉनिटर अपना अपना काम करो और सबको बता दो मेंटी टाइम। अनअकैडमी 6 पे मेरी क्लास हमेशा होगी बच्चों 1 and 4 PM पर, पर ट्यूसडे और थर्सडे 2:10 PM पर ये क्लास हो जाएगी इन द आफ्टरनून, एंड संडे को 9 AM पर भी एक क्लास होती है मेरी, ठीक है। सो दिस इज माई स्केड्यूल, वॉट आर द इम्पोर्टेंट अपडेट्स, लेट्स गो थ्रू इट। आस्क अ डाउट फीचर अगर आपने अवेल नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, 24/7 यू कैन आस्क योर डाउट हियर, राइट। मैथ्स और साइंस से रिगार्डिंग जितने भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो, जस्ट यू हैव टू क्लिक द पिक्चर ऑफ द डाउट, क्रॉप इट एंड देन सेंड इट, यू विल गेट अ वीडियो सॉल्यूशन देयर। बेनिफिट्स व्हाट यू विल गेट बाय आस्किंग अ डाउट, आपको मर्चेंडाइज मिलेगी, IPL मर्चेंडाइज, प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज, राइट। अगर आप अप्रैल में सबसे ज्यादा डाउट पूछ रहे हो तो यू विल बी प्लेयर ऑफ द सीरीज, एंड इफ यू लॉस highest doubt in a day, then you will be emerging player of the series, okay? Hi Harshita Prajapati, hi bachi, ma'am, I'm waiting, then it will be 6:35, okay? पहले पढ़ लो क्योंकि quiz बहुत amazing होगी, so पढ़ लो। जब अगर आपने पूरा session एकदम अच्छे से देख लिया ना, I'm sure आप लोग winner बन जाओगे, I'm sure आप लोग winner बन जाओगे, ठीक है? So बढ़िया से आप लोगों को session देखना है। Compact में जिसने enroll नहीं किया है, मेक श्योर कि बाई यूजिंग माई कोड आज जल्दी से आप लोग इनरोल कर लो कॉम्बैक में। दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी संडे, एवरी सिंगल संडे, ओके। सो जल्दी से जाकर कॉम्बैक में इनरोल करो, दिस इज अ चांस टू गेट 1 crore rupees स्कॉलरशिप। 60 मिनट का टेस्ट होने वाला है, 30 super questions होंगे, वीकली कॉम्बैक है आपका, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, डिटेल्ड वीडियो आफ्टरवर्ड आपको मिलेगा, तो इनरोल योर सेल्फ राइट नाउ स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो दिस इज द चांस यू आर गेटिंग, आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है, टॉप 3 को सब्सक्रिप्शन मिलेगा एक साल का, और 150 विनर्स को स्कॉलरशिप, एंड अमेजिंग ऑफर जो आपका है वो टिल टुडे यानी कि 25 अप्रैल 11:59 PM तक ही रहेगा, तो फटाफट से जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो बिना किसी देरी के, ठीक है, नहीं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन में आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, समझे कि नहीं समझे। हाय एवरीबॉडी, हाय नित्या, हाय एवरीवन, सो नाउ यू गाइस आर रेडी फॉर द सेशन, कम ऑन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आर यू गाइस रेडी फॉर द सेशन और नॉट, रेडी हो सेशन के लिए या नहीं, कम ऑन डू लेट मी नो, एंड इफ यू गाइस आर रेडी डू हिट द लाइक बटन एज वेल, जल्दी से लाइक भी करते चलो। आज हमें इस सेशन का लाइक तो 100+ करना है ना, 100+ लाइक कर देना है, ये अमेजिंग सा टॉपिक है और इसके लिए 100+ लाइक हो जाने चाहिए, आप लोग जल्दी से लाइक टारगेट हिट करना, ठीक है चलो। हाय सौम्या, हाय बच्चे, हाय अनुपमा, यस चलो, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नेशनल पार्क, एनी गेसेस, लाइक एनी गेसेस आप मुझे बता सकते हो, अगर आप गेस कर पाओ कि व्हाट इज नेशनल पार्क। यू नो इन आवर कंट्री देर इज सो मच ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना क्या है भाई, फ्लावर्स एंड ऑल ऑफ कोर्स एनिमल्स, फ्लावर एनिमल्स ट्रीज एंड प्लांट्स एवरीथिंग इज देयर इन आवर कंट्री। सो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज भी होंगे, आई एम गिविंग यू हिंट हियर, ओके। सो उसी के बारे में ये पूरा पूरा सेशन है, सो आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज अ नेशनल पार्क, क्या आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। स्कॉलरशिप मिलेगा 150 जो स्टूडेंट्स होंगे दे विल गेट अ स्कॉलरशिप 150 टॉप 150 को, वेरी गुड वेरी गुड। जैस्मिता का मुझे आंसर आ चुका, सुहानी एंड जैस्मिता, सुहानी एंड जैस्मिता, वेरी गुड सुहानी एंड जैस्मिता, वेरी नाइस। मेंटी विल बी एट 6:35, पहले पढ़ लो तभी तो आंसर कर पाओगे मेंटी में, है ना, पहले पढ़ लिया जाए, थोड़ी 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 सी पढ़ाई कर ली जाए, है ना, ओके। साउंड इज वेल, ओके, थैंक यू सो मच यार, मुझे लगा कि आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों को। हाय थमेश्वर, थनेश्वर, हाय बच्चे, सो यस लेट्स सी व्हाट इज नेशनल पार्क।
देखो नेशनल पार्क इज अ प्लेस, ऐसे हमारा घर होता है ना, हमारे लिए हमारा होम होता है, हमारा हाउस होता है, प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे घुस के कोई हमें हिट नहीं कर सकता, कोई हमें कोई भी हार्मनेस नहीं पहुंचा सकता, राइट। हम अपने घर में सेफ हैं, करेक्ट, हम अपने घर में सेफ हैं। सिमिलरली नेशनल पार्क इज द एरिया वेयर एनिमल्स, जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होंगे, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, दे हैव द एम टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड इट्स एनवायरमेंट, यानी हमारे फ्लोरा और फौना दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, दैट इज योर नेशनल पार्क, दैट इज योर नेशनल पार्क, ठीक है, वही आपके नेशनल पार्क होते हैं। दे आर यू नो दे आर अवेलेबल इन दिस नेशनल पार्क, एवरीथिंग विच इज यू नो इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लोरा एंड फौना, दैट इज यू नो प्रेजेंट देयर। और ये बहुत ही जो है, यहाँ पर आपको अगर हंटिंग, पॉचिंग, यू नो गैजिंग, ये सारी चीजें बिल्कुल ही बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, समझ में आई। ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है फॉर फ्लोरा एंड फौना कि यहाँ जाकर आप हंटिंग, पॉचिंग, गैजिंग नहीं कर सकते, ना हंट कर सकते हो, ना किसी को मार सकते हो, ना वहां पे आप फ्लावर को प्लक कर सकते हो, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती है। दे इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट, राइट। तो समझ में आया कि व्हाट इज नेशनल पार्क, ये क्लियर है ना बच्चों? यस, जल्दी से बताओ। बिल्कुल करेक्ट, द एरिया विच इज मेड टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी ये तो नेशनल पार्क था, ठीक है, ये तो नेशनल पार्क था जहां पे फ्लोरा और फौना दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता था, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना यानी एनिमल्स और उनके हैबिटेट, यू कैन से फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, दे आर प्रोटेक्टेड देयर, राइट। उनको कोई भी हार्मफुल नहीं करता, कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, राइट। अभी व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनी गेसेस व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनी गेसेस एनीबॉडी, वेरी गुड नायशा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी नाइस नायशा, नायशा ने आंसर दे दिया मुझे, लेट मी जस्ट राइट हर नेम, वेरी गुड नायशा शुभांगी, यस वेरी गुड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेचुरल हैबिटेट दैट इज रन बाय गवर्नमेंट बॉडीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट, और देयर एम इज टू प्रोटेक्ट आवर फौनास, राइट। हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे हमारे जो भी फौनास होते हैं, यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये या तो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज एन एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट एंड देयर सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स और उनकी सराउंडिंग्स, यानी कि उनका हैबिटेट बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है, किसी भी तरह की डिस्टरबेंस उनको नहीं पहुंचाई जाती। यहाँ पे उनकी हंटिंग करना, उनकी पॉचिंग करना, सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है, राइट। हंटिंग, किलिंग, कैप्चरिंग, पॉचिंग ऑफ एनिमल इज रियली वेरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज रीजंस, और दे आर एम टू प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल लिविंग एनवायरमेंट टू द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य होता है कि ये कंप्लीटली एक कंफर्टेबल लिविंग एनवायरमेंट दे सके उन वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो फॉर यू नो टूरिज्म पर्पस, बट यू कैन नॉट हर्ट देम, यू कैन नॉट यू नो किल देम, यू कैन नॉट पोच देम, राइट। ये सारी की सारी चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, ये क्या होती है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। तो ये समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, ये समझ में आ गया। यू विल गेट अ मैसेज बच्चा, जब आप 150 विनर्स में आओगे ना, तो आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है, आपको अनअकैडमी से कॉल और मैसेज दोनों जाएगा। यू विल गेट टू नो कि यू आर द
150, you know, amongst the 150 winner in combat. Okay, chalo. Next question. अब हम टॉप 10, यू नो टॉप 10 जो भी हमारे पार्क्स हैं उनके बारे में जानने जा रहे हैं. टॉप 10 पार्क्स एंड ऑफ कोर्स आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे स्लाइड्स का थोड़ा सा वो हो गया है. ये है स्लाइड जिसके बाद हम टॉप 10 यू नो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में जो है उनके बारे में अब हम जानेंगे. ठीक है, टॉप 10 जितने भी हैं, और मैं आपको अलग से भी कुछ बताऊंगी जो और इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये सुन लो पहले. इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन्हीं से आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेंटी में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं से बनेंगे. तो मेक श्योर कि आप सारे के सारे चीजें एकदम क्लियरली ध्यान से सुन रहे हो. ठीक है, चलो सबसे पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. ठीक है, अब मुझे कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जितनी जानकारी आपको है मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में देते रहो. ठीक है, मोस्ट वेलकम है, जिसको कोई भी जानकारी है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप मुझे बताते रहो, मैं आप कमेंट सेक्शन भी देख रही हूँ. ठीक है, चलो मैम हाउ विल वी नो दैट वी हैव गॉट. श्रीनिवास, यू विल गेट अ बच्चा कॉल फ्रॉम अन एकेडमी और यू विल गेट अ मैसेज, सो आपको पता चल जाएगा यू आर 150, यू आर अमंग 150 विनर्स. ओके, चलो जिम कॉर्बेट, यस मैम, व्हाट हैपेंड जयचंद, बताओ जल्दी से और प्लस कर दो. चलो भाई 50 प्लस लाइक हो जाने चाहिए बिफोर एंटरिंग द मेंटी. ओके, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दिस पार्क लीड्स द लिस्ट. अगर हम टॉप 10 के बारे में बात करें सबसे टॉप पर ये आएगा, एज इट इज नॉट ओनली वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का, बट ये जिम कॉर्बेट फेमस जो वाइल्ड लाइफ स्टोरी राइटर थे उनके ऊपर इसका नाम रखा गया है. जिम कॉर्बेट ये फेमस जो है बच्चों वाइल्ड लाइफ स्टोरी राइटर थे उनके ऊपर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है. इट इज फाउंडेड इन 1936, इसे 1936 में बनाया गया था विद द एम टू प्रोटेक्टिंग द बंगाल टाइगर्स. ठीक है, बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस नेशनल पार्क को बनाया गया था. ठीक है, किस टाइम पर, 1936 में, जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे एट दैट टाइम. बिल्कुल करेक्ट रोमी, सौम्या, वेरी गुड जैस्मिता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट बात करते हैं. सेकंड है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला. सो एक तो हमने किसकी पढ़ी, हमने उत्तराखंड का पढ़ लिया है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन इसी से बनेंगे. सो बिल्कुल मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ी हो व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट. बिल्कुल करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला. तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये कार्डमम हिल्स में है अराउंड द पेरियार रिवर. ये देख रहे हो पेरियार रिवर के पास में है ये, कहाँ पर, कार्डमम हिल्स के पास. कार्डमम हिल्स के पास है पेरियार रिवर के अराउंड. द पेरियार रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द लोकल वाइल्ड लाइफ. जो वहां पे जो लोकल वाइल्ड एनिमल्स है ना उनके लिए पेरियार रिवर इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर देम. एंड यस, वो जो पार्क है दैट इज पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उनका होम है. राइट, दैट इज देयर हैबिटेट, वो उनका हैबिटेट है. ओके, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑपरेट एज अ प्रोटेक्टेड टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व. अब ये इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर्स और एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना उनका एम है. व्हाट इज देयर एम, देयर एम इज टू प्रोटेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व. राइट, वो क्या है, दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑपरेट एज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर टाइगर्स एंड एलिफेंट रिजर्व. ओके, क्लियर, इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत. यस, ऑल्सो नोन एज पेरियार टाइगर रिजर्व, वेरी गुड. इट इज अ माउंटेनियस वेस्टर्न घाट्स, वेरी नाइस. जैस्मिता, वेरी गुड. हर हितेश, वेलकम टू द सेशन. सो एज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट थर्ड है हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है. इट इज अ लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड.
ठीक है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है सबसे बड़ा पूरी दुनिया का, एंड इट इज स्प्रेड ओवर 10,000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में ये स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है। दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट आर लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि बे ऑफ बंगाल की डेल्टा पर दिस इज मेड, इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन द डेल्टा ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो दिस इज स्पेशली, दिस इज द लार्जेस्ट यू नो मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, दैट इज सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें। व्हाई आई एम अगेन रिपीटिंग इट, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से बने होंगे, फिर ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस कर ही ना पाओ। सो मेक श्योर बच्चों पार्टी कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट, जो कि असम में है। यहाँ पे बहुत सारे यू नो टॉल एलिफेंट्स आर देयर, दे हैव द काजीरंगा हैज वास्ट फील्ड ऑफ टॉल एलिफेंट ग्रासेस, राइट, यहाँ पे बड़ी बड़ी एलिफेंट ग्रासेस होती हैं, विच विल लीव यू इम्प्रेस बाय देयर साइज, बड़े बड़े यू नो एलिफेंट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, एंड दिस इज वाई, दैट इज वाई एलिफेंट सफारीज आर वेरी पॉपुलर हेयर, यहाँ पे काजीरंगा में एलिफेंट सफारी, जो एलिफेंट के ऊपर बैठ के सफारी की जाती है ना, आपने देखा होगा, बहुत फेमस है यहाँ पर, एंड यस ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, करेक्ट, ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ होम फॉर 2/3 ऑफ द हॉर्न्ड राइनोसॉर्स आल्सो, यानी कि इसका जो हिस्सा है उसमें 2/3 हिस्से में हॉर्न्ड राइनोसॉर्स भी रहते हैं, ठीक है, हमारे पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में राइनोसॉर्स की, 2/3 पॉपुलेशन आपको काजीरंगा में दिखेगी, राइट, उतनी पॉपुलेशन जो राइनोसॉर्स की पॉपुलेशन होगी, ठीक है, जो राइनोसॉर्स की पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखेगा, वो भी हॉर्न्ड राइनोसॉर्स का, जिनमें सींगे होती है उनका, ठीक है। चलो वेरी गुड, ओके, एंड कॉल योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड कम ऑन हिट द लाइक बटन, मेक इट 50+, आई वॉन्ट एटलीस्ट 70 स्टूडेंट्स इन मेंटी एज वेल, तो जल्दी से अपने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो। नेक्स्ट वन इज रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि सबसे यू नो हाईएस्ट रैंक पे है व्हेन इट कम्स टू वाइल्ड सेंचुरीज, अगर हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे ना तो ये सबसे पहले आएगा रणथंभौर, है ना, इट इज सराउंडेड बाई बनास एंड द चंबल रिवर, बनास और चंबल रिवर से ये सराउंड करता है, और इस नेशनल पार्क की सबसे ज्यादा खासियत है यहाँ पे मैजेस्टिक टाइगर पाए जाते हैं, एंड दिस पार्क इज परफेक्ट हैबिटेट फॉर टाइगर्स, ये टाइगर्स के लिए सबसे परफेक्ट हैबिटेट है, परफेक्ट होम है, ठीक है, ये टाइगर्स के लिए सबसे परफेक्ट होम है, दैट इज रणथंभौर नेशनल पार्क, ओके क्लियर, वेरी गुड जैस्मिता, जैस्मिता का दीज नेशनल पार्क केम इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, बिल्कुल करेक्ट नायशा, बहुत सही बता रहे हो बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज कीप माय नेम, आई एम सिद्धि, हाय सिद्धि, हाय सिद्धि, हेलो एवरीवन, चलो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो, हमारा मेंटी टाइम भी होने ही वाला है, एंड आल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट रणथंभौर नेशनल पार्क, क्या इंपॉर्टेंट है इस, ये जो आप रणथंभौर के बारे में जान रहे हो कि ये यू नो सबसे बेस्ट प्लेस है फॉर टाइगर्स, राइट, आपको ये पता चला, लेकिन इस नेशनल पार्क में और भी एनिमल्स रहते हैं, जैसे लिपॉर्ड, नीलगाय, हाइना, वाइल्ड बोर या सांबार, ये सारे एनिमल्स भी रणथंभौर में रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम टाइगर, टाइगर्स के लिए ये परफेक्ट प्लेस है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम टाइगर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो दिस इज इक्वली हैबिटेट फॉर लिपॉर्ड, नीलगाय, हाइना, वाइल्ड बोर या फिर सांबार के लिए, ये सारे एनिमल्स जो कि राजस्थान के हैं वहां के लिए भी, इन एनिमल्स के लिए भी ये पार्क उतना ही हैबिटेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क की जो कि मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन और है मेरा आप सभी लोगों से, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, इन जितने नेशनल पार्क्स के बारे में मैंने अभी बात की,
कोई भी ऐसा बच्चा जो इन नेशनल पार्क्स में घूमने गया हो, गए हो जल्दी से बताओ, कोई गया है क्या? व्हाट इज योर रिक्वेस्ट जयचंद, जल्दी से बताओ कोई गया है क्या? ऐसा कोई भी बच्चा जो गया हो इन सारे नेशनल पार्क्स में? यस कम ऑन, यस मैम मोहित गया, दैट इज गुड। कृष्णा कृष्णवी गई हुई है, अर्णव गए हैं, शिवानी नहीं गई है, शिवानी ओके, रोमी गए हैं, काजीरंगा में सबीर गए हैं, शबीर इज द, यस शबीर हमारे इस टाइम के मॉनिटर थे, देवांश गया हुआ है, ओके दैट्स गुड यार, दैट्स गुड, बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं, दैट्स रियली गुड। तो कान्हा नेशनल क्या है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे मिलती हैं आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो एनिमल्स मिलेंगे, बारहसिंघा मिलते हैं, उनकी गेंस एंटलर्स आर देयर, दिस इज रियली प्रोटेक्टेड स्पाइस, यहाँ पे बहुत सारे यू नो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हाइनास, पिकॉक, मोंग्यूज, टाइगर्स, पैंथर्स, स्लॉथ्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, नॉट वन एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, लंगूर्स एंड एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट इज बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका का। अगर हम बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की बात करो तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट यू नो फेमस नेशनल पार्क, राइट, एज इट इज ऑफर द आइडियल नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर एलिफेंट। यहाँ का यू नो जो भी सीन है दैट इज वेरी वंडरफुल, और यहाँ पे मेनली एलिफेंट पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? एलिफेंट पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ की सीनरी यानी जो ग्रीनरी है ना, जो ग्रीनरी होती है वहां पे वो बहुत अच्छी लगती है, सीन बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट आप वहां पे बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी देख सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट आपको और भी इंडेंजर्ड स्पीसीज वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई बांदीपुर नेशनल पार्क की। नेक्स्ट इज बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, राइट। नेक्स्ट क्या है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यस मैम इन उदयपुर, ओके सुहानी, विष्णु यानी कि जैस्मिता कुछ बता रही है, माई कमेंट मैम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कम इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यस आई हैव सीन योर कॉमेंट बच्चा, इट कम्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मेंटी कोड मैं 435 पे बताऊंगी, टिल देन बी पेशेंट, पहले पढ़ लो, अदरवाइज मेंटी में ही भी क्या करवाओगे, क्या ही कर पाओगे जब समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है, आंसर्स क्या है, और 50+ लाइक हो जाने चाहिए, और मेंटी में 70 स्टूडेंट चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड्स को बुला के लाओ फटाफट से। आलिया डेज में बंधवगढ़ नेशनल पार्क महाराजा यूज करते थे हंटिंग के लिए, पहले जानते थे ना, पहले हमारे जो महाराजा थे वो बहुत शौकीन थे हंटिंग का, शिकार करने बहुत जाते थे, राइट। सो ये महाराजा के टाइम पर शिकार के लिए बहुत यूज किया जाता था। नाउ सो एवर नाउ टुडे द एरिया हैज टर्न इनटू हाईली प्रोटेक्टेड इन बंधवगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश में ये अब हाईली प्रोटेक्टेड एरिया बन चुका है, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ टाइगर जो कि मध्य प्रदेश के हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, सिमिलरली पैंथर आल्सो फाउंड हियर, यहाँ पे आपको पैंथर्स और टाइगर्स की बहुत सारी यू नो मोस्ट डेंसिटी यहाँ पर मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा, ठीक है। और व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आपको समझ में आ गया बंधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर वही चीज आ चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैंथर एंड यू हैव पैंथर्स, आपको पैंथर्स और क्या मिलेंगे यहाँ पे, टाइगर्स मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में पाया जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क 1955 में एज अ वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर किया गया था। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, 1955 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था बिकॉज यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टाइगर्स थे, अलवर डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है, एंड हैज बीन अ टाइगर रिजर्व सिंस 1978। 1978 से ये टाइगर रिजर्व बन गया और ये कहां पर था? अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इट हैपेंस टू द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ये सबसे पहला नेशनल पार्क था वर्ल्ड में दैट हैव बीन अडॉप्टेड बाय द मैजेस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एज इट्स नेचुरल हैबिटेट सक्सेसफुली, राइट, हाईएस्ट नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे पाए जाते थे
एंड इट इज अडॉप्टेड बाई द मेजेस्टिक रॉयल बेंगाल टाइगर्स. ये अडॉप्ट किया गया था मेजेस्टिक रॉयल बेंगाल टाइगर द्वारा. ठीक है, क्लियर हुआ. ये सारी चीजें याद रखना, किसी में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. मोर ओवर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक एक चीज ध्यान से पढ़ लो ताकि आप वहां मेंटी के क्वेश्चन भी कर पाओ. तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यस, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, चलो मूविंग अहेड. जो अदर नेशनल यू नो एनिमल्स जो कि मिलते हैं हमें सरिस्का नेशनल पार्क में, तो जैक गोल्डन जैकार आपको मिल सकते हैं, जंगल कैट, स्ट्रिप्ड हाइनास एंड लिपॉर्ड्स भी आपको वहां पर मिल पाए जाते हैं इस जंगलों में. ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क में, सॉरी सरिस्का नेशनल पार्क में आपको ये सारी एनिमल्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि गोल्डन जैकार, जंगल कैट, स्ट्रिप्ड हाइनास एंड लिपॉर्ड्स. ओके, और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि उत्तराखंड में है, ये 953 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है. ठीक है, इट इज आल्सो वेरी पॉपुलर हाइकिंग एंड ट्रैकिंग डेस्टिनेशन. बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये हाइकिंग और ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के लिए. ठीक है, यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड दिखेंगे एंड इट इज नॉट इजी टू स्पॉट दीस स्पाइसेस, राइट? आपको बहुत यू नो इजिली दिखेंगे नहीं, बट यस, बिकॉज एज यू नो लेपर्ड्स आर शाई एंड डू नॉट रिवील देमसेल्फ इजिली. दैट इज वाई आपको ये जल्दी से आप इन्हें स्पॉट नहीं कर पाओगे, बट यस ऑफकोर्स यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स आर देयर. ऑफकोर्स ये बहुत और भी एक्सोटिक स्पीसीज के लिए होम की तरह है, जैसे कि मास्क डियर, हिमालयन स्क्रो या हिमालयन ब्लैक डियर या ट्राइगोपन या फिर हिमालयन मोनाल एंड मैनी मोर एनिमल्स के लिए दिस इज द होम फॉर देम. आपको इजिली ये सारे स्पीसीज स्पॉट नहीं कर पाओगे आप, लेकिन ऑफकोर्स दे लिव इन दैट एरिया, यहाँ पर ये रहते हैं, भले ही आप उन्हें इजिली स्पॉट कर पाओ या ना कर पाओ. ठीक है, और ये कब कितनी एरिया में फैला हुआ है? इट इज स्प्रेड ओवर इन 953 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. ठीक है, नमस्कार प्रज्ञा अग्रवाल, नमस्कार बच्चे. सो नाउ दिस इज डन. नायशा मैम, इज दिस अ चैप्टर ऑफ साइंस बुक? नो बच्चा, दिस इज अ चैप्टर जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, लाइक दिस इज नॉट रिलेटेड टू क्लास 6, आई गेस क्लास 6 में आपका कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है नेशनल पार्क या फिर यू नो सेंचुरीज या फिर इनसे रिलेटेड, बट दिस इज अ टॉपिक ऑफ साइंस, तो इसीलिए मैंने मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कंट्रीज, यू नो थिंग्स कि आपके कंट्री में कौन कौन से पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मोस्ट मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वन, तो इसीलिए मैंने ये एक अमेजिंग सा टॉपिक. बहुत बच्चे बोलते हैं मैम मुझे फन मेंटी चाहिए, टीएम के उसी पे करा दो, उस पे करा दो. सीरियल्स पे मेंटी करने से के बजाय अगर आप इन सारी चीजों पे मेंटी करोगे तो शायद आपके दिमाग में कुछ नॉलेजफुल चीजें भी जाए. तो बस मेरा मोटिव यही था, इसीलिए मैंने ये चैप्टर, इसीलिए ये टॉपिक मैंने आज लिया, राइट? और आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो हिट द लाइक बटन, मेक इट 50+ एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू मेंटी. तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है अनअकैडमी ऐप तो फटाफट से कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप दैट शुड बी इन योर फोन. एंड अगर आप प्लस बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको प्लस में. लाइव क्लासेस होंगी, यू विल हैव यू नो ग्रेट कम्युनिकेशन विद द टीचर्स एंड ऑफकोर्स लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से भी आपको वहां पर एक परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर पाओगे अपनी. स्ट्रक्चर्स कोर्स रहेंगे और पीडीएफ भी आपको मिलेगी. प्लस क्लास बहुत ही जल्द आपको मेरी भी मिलने वाली है, मैं बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज दूंगी. टिल देन जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, 11:59 PM तक टुडे इटसेल्फ आपके पास ऑफर है, तो ग्रैब इट राइट नाउ, डोंट वेस्ट इट. यूज माय कोड प्राच फॉर गेटिंग 10% का ऑफ. ठीक है, 10% के ऑफ के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो. आइकॉनिक में यू विल हैव प्लस का ऑल द बेनिफिट्स, प्लस आपको पर्सनल मेंटोर और डाउट सेशंस मिल जाएंगे. ठीक है, एंड यस दिस इज द प्राइस स्लाइड, यू कैन गो थ्रू इट. 6 to 12 के आपका सब्सक्रिप्शन प्लान आर देयर. स्पेशल क्लासेस के लिए यू कैन यूज माय कोड एंड अनलॉक देम. अगर कॉम्बैट में इनरोल नहीं किया है तो यू हैव चांस, जल्दी से जाके इनरोल कर लो यूजिंग माय कोड दैट इज PRACH. एंड ऑफ कोर्स स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज आर देयर फॉर फ्री इन द ऐप, जल्दी से डाउनलोड करो, फ्री क्लासेस देखो. इफ यू लाइक इट देन गो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक वन, राइट? एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड PRACH ताकि आप
सारे फ्री बेनिफिट्स और 10% का डिस्काउंट भी अनलॉक कर सको। एज यू नो आपके पास एकेडमिक ऑफर्स थे, एकेडमिक ऑफर आपके खत्म होने वाले हैं आज 11:59 PM तक, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय दीज एकेडमिक ऑफर तो फटाफट से इस टाइम से पहले तक सब्सक्रिप्शन ले लो यूजिंग द कोड, ओके। Now I am done with all the things. Now I want everybody to join Centuries and Path Quiz. So let me see कितने likes हो चुके हैं अभी, 3 likes more to go यार. What are you waiting for students? Come on यार. Like आज आपने सारे session में बहुत अच्छे से मुझे प्यार दिया, बहुत अच्छे से आप लोग आए मुझसे connect किए. इस session में भी वैसा करते हैं, ये तो last session है हमारे आज day का. Like today this is last session for the day, right? तो जल्दी से. Are you guys ready for the quiz? And do hit the like button, make it 50 plus right now. What you have to do? Google पे जाना है, www.menti.com टाइप करना है, एंटर कर देना है कोड जो मैं आपको बताऊंगी, उसे आपको वहां जाकर एंटर करना है. एंड व्हाट इज द कोड? 5323240. ये आपका कोड है 5323240. ओके, चलो कम ऑन. हरी आप गो एंड ज्वाइन द मेंटी कोई सभी के सभी बच्चे, और लाइक करना मत भूलना. 50 प्लस आपका टारगेट है, दिस इज योर टारगेट बिफोर गोइंग टू मेंटी, दिस इज योर टारगेट. 5323240 दिस इज द कोड फॉर मेंटी, ठीक है. नॉट फाउंड बता रहा है मैम, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट सी. ओके, आई एम सो सॉरी बच्चों, ये कोड गलत है, आई एम सो सॉरी. वेट वेट वेट, द कोड इज दिस, आई एम सो सॉरी, आई एम शेयरिंग द रॉन्ग कोड, सो सॉरी. 1341038 इज द कोड, आई एम सो सॉरी बच्चों. यार क्या ही कर दिया मैम ना, एकदम झल्ली है ना, गलती कर दी, कोड आपको गलत दे दिया. ये है कोड, आई एम सेंडिंग यू द कोड. थैंक यू सो मच नायशा फॉर टेलिंग मी. एंड इज माई वीडियो इज लैगिंग? यस यस बच्चे, कोड इज कमिंग, फाउंड ऐसा आ रहा है लिख के, नॉट फाउंड, बिकॉज कोड आपको मैंने गलत बताया था. 1341038 इज द कोड. इज माई वीडियो इज लैगिंग? यार आई कैन सी माई वीडियो लैगिंग सो मच. क्या मेरा वीडियो लैग कर रहा है बेटा, बता दो जरा. 1341038 इज द कोड मेरा बच्चे, पार्टी, आई एम सो सॉरी. कम ऑन, मेक 70 स्टूडेंट्स इन द क्विज. Call your all the friends, call your everybody is here, क्योंकि आज हम बहुत ही amazing सी mentee करने वाले हैं. I am detective. Oh yes, I can see. सबसे बड़ा detective ही लग रहा है यहाँ पे. Airplane and detective. Yes, 35 student. Come on यार. Call your friends here. Come on, call your friends here. जल्दी से उनको बुला लो. So that we have at least 60 plus student. आज हमारी पूरी mentee में 60 plus student थे. So, इस मेंटी में भी 60 प्लस होने चाहिए, है कि नहीं? चलो जल्दी से कॉल योर फ्रेंड्स हियर. वी हैव 40 स्टूडेंट राइट नाउ इन द मेंटी, 41 हो चुके हैं, बहुत बढ़िया. ड्रैगन है, मोहित, शिप है, गोविंद, आकृति, क्रोकोडाइल, स्नोमैन, जैस्मिता, वुल्फ, अनुष्का, जॉइंड तनीषा कह रही है, वेरी गुड क्रोकोडाइल आकृति. यस, अभी तक पिछली मेंटी में सब इक्वल इक्वल रहा, बॉयज एंड गर्ल्स 5-5 पॉइंट्स है. इस मेंटी से डिसाइड होगा कि बॉय विन करता है कि गर्ल्स. आई हैव टू सी हु विल गोइंग टू विन, बॉय और अ गर्ल. चलो, इफ यू वांट कि गर्ल्स विन करे तो गो गर्ल्स, कॉल योर ऑल द फ्रेंड्स हियर. गर्ल्स स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए. अगर बॉयज चाहते हैं कि बॉयज जीते तो जल्दी से कम ऑन, कॉल योर ऑल द फ्रेंड्स, बॉयज फ्रेंड हियर, सो दैट बॉयज स्ट्रेंथ हो तो आप लोग बॉयज जीतोगे, है ना. मेरे लिए तो कोई भी जीते, बट आई हैव टू यू नो टेल यू कि कौन विनर है. इस मेंटी से पता चलेगा टॉप 3 कौन आएगा, इससे पता चल जाएगा कि हमारा विनर कौन है. चलो, हाय, यू आर बर्गर आर्यन, अरीबा, हाय अरीबा, हाय बच्चे. यू आर पिगी शिवानी, ओके, बनाना है. सौम्या, अरीबा, हाय बच्चे, बर्गर, ओके, गुड, कूल. 48 students in the mentee, 2 more, 50 हो जाए तो हम start कर देंगे. 2 more students I want in the mentee. Come on student, call your friends here, जल्दी से बुला लो. Call your friends, 49 students हो चुके हैं mentee में, very good.
एक बच्चा बचा है 50 होने से, तो लेट्स वेट फॉर द वन स्टूडेंट दैट हु विल जॉइन। जॉइन कर चुका है कोई वाटरमेलन, सो लेट्स स्टार्ट द मेंटी विदाउट एनी डिले। I have started here. First question is here. जल्दी से answer करो मैम। Live target completed. Live target आज का 100 plus था बच्चे। Tanisha 100 plus live target थे। How many tiger reserves are there in India? In India how many tiger reserves are there? जल्दी से बताओ। Yes, Rituraj Menti code is 13410380. 13410380 ये आपका मेंटी कोड है, ठीक है। मेंटी कोड इज 13410340। 100 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए। अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो, जितने फ्रेंड्स यू नो लेट देम कॉल हियर। 27 है बच्चों, क्या कर रहे हो। 27 है आपके टोटल रिजर्व इन इंडिया और सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ने सही किया। ऐसा क्यों जल्दी से बताओ। देयर आर 27 रिजर्व बच्चे, नॉट 51। लेट मी चेक इट, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट, बिकॉज आई गेस 27 इज द राइट आंसर, बट जस्ट लेट मी चेक इट। सिर्फ टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, ये बात भी ध्यान से रखना, टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, ठीक है। यस, जल्दी से बताओ। हाँ, आई थिंक यस 51 इज द राइट आंसर। यस, मेरे को लगता है मैंने ही ऑप्शन डालने में गलती कर दी। आई एम सो सॉरी, 21 की जगह शायद मुझे 51 लिखना था, पर मेरा ही गलत हो गया। सो सॉरी बच्चों, फेमस टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है दैट इज 27 जो फेमस है, बाकी टोटल इसमें था तो टोटल में 51 शुड बी द आंसर। मैं दोबारा से ये क्वेश्चन कर रही हूँ, तो 19 स्टूडेंट्स ने, नहीं, मैं दोबारा से इसको रीसेट कर रही हूँ और आप लोग दोबारा से इसको क्या करो, आकर आप इसमें दोबारा से कर लो, ठीक है, सो दैट कि आप लोगों को आंसर सही मिले। चलो अभी 54 स्टूडेंट्स आ गया, जितने भी बच्चे हैं चलो स्टार्ट करो आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत था, हाँ मेरी गलती है, मैंने वहां पे ऑप्शन गलत डाला। एक्चुअली मुझे 51 डालना था, वो 22 के सीक्वेंस में मैंने वहां पे 21 ही डाल दिया। द आंसर वाज 51। चलो सभी को पता तो चली गया, लेट्स इट्स ओके, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। चलो स्टार्ट कर दो आंसर करना। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। ओ आपने आंसर कर दिया, ओके दैट्स गुड। So your time's up and let's see कितने answers बच्चों ने, 45 अभी भी students ने गलत answer दिया। ये तो answer सबको पता ही था यार, ये तो पता ही चल गया था, बिना बात का point था ये आपके लिए। देखो रोमी कह भी रहा 51 is correct, हाँ अभी वो तो सबको पता चल गया था यार, फिर भी गलत। चलो अब्दुल्ला एंड अदित इज द फास्टेस्ट वन, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन नील, उसके बाद ये क्या नाम है भाई, फिर अनुष्का भट्टाचार्य, लेट मी जस्ट changes, so we have fifth pe Sakura, then Anushka Bhattacharya, then Uditi, awesome Akriti, Romy, Watson and Bill Gates, very good. Next question, question number 7, code hai bachche 13410380, code hai 13410380, 13410380, ठीक है, ये आपका कोड है, मैंने सेंड कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क, नमदपा, गिर, पेरियार या भरतपुर। यस यू आर इन द सिक्स्थ पोजीशन, दैट्स गुड बच्चा। जैस्मिता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क नहीं होगा। द करेक्ट आंसर, What will be the correct answer? 16 students ने जो answer दिया, that is the right one. Namdapa is not the right answer. The right answer is Bharatpur. Bharatpur is actually not a national park. ठीक है?
So the correct answer is D, Bharatpur, not B, Jaichand. It will be D. Okay? So let's see leaderboard पे कौन टॉप कर रहा है. I'm absolutely fine. Prapti और Arnima भी आ चुकी हैं बहुत दिन बाद. Neil is the fastest one. Congratulations. Then we have Prapti, Ritu, Shubham, Devansh, Vaibhavi, Siddhi, Kenjal, Ariba, Arnima. Very good. Yes, because it's full. Correct. Correct, Adit. Adit ने बात भी पकड़ ली because उसमें लिखा था भरतपुर. ठीक है. कविता, यू हैव नेट इशू. बच्चा, इट इज द क्वेश्चन इन मेंटी विच आई हैव टोल्ड यू. भरतपुर आपका इसमें नहीं आता, नेशनल पार्क्स में नहीं आता, बिकॉज इट इज अ बर्ड सेंचुरी. और तो और उसमें पुर भी लगा था. आप लोग ये तो देखा करो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड सेंचुरी, दुधवा, सुल्तानपुर, दजीगम या गुंडे? बताओ कौन सा होगा आपका बर्ड सेंचुरी, दुधवा, सुल्तानपुर, दचीगम या गुंजी. यशी ने बी का आंसर दे दिया है. एंड व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बी इज द राइट आंसर. सुल्तानपुर इज अ बर्ड सेंचुरी. बाकी आप सब यू नो ऑल रेस्ट आर नॉट बर्ड सेंचुरी. इसमें से सिर्फ एक ही आपका बर्थ सेंचुरी होगा, दैट इज सुल्तानपुर. बी इज द राइट ऑप्शन. और बच्चे इतना गड़बड़ी कर रहे हैं. और जब मैं पढ़ा रही थी तब तो बोला नहीं मैम मेंटी करो, मेंटी करो. लो मेंटी आ गई. अब क्यों गड़बड़ी हो रही है? नील इज द फास्टेस्ट वन. देन वी हैव सिद्धि, केंजल, फयाज एंड हाँ प्राप्ति, देन ऋतु, शुभम, दिबांश, वैभवी एंड रोहन. कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताओ. कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. अभी आपके लिए शायद इजी इजी क्वेश्चन हो जाए. आई होप अब आप कर पाओ. और अपने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो. क्यों नहीं बुला रहे हो फटाफट से? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? बताया था मैंने अभी अभी ये सेशन में ही पता चला था आपको. किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, रोमी बोल रही है. अच्छा रोमी आपने पढ़ा है, अच्छे से आंसर दो. ठीक है, किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन दैट. बट यस, आप आंसर अच्छे से दो. 31 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया. क्या ही बताऊं. बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर. नायशा ने बोला इजी है, दैट्स गुड. नायशा आपने ध्यान दिया इसलिए आपको इजी लग रहा है. बाकी तो कितने सारे बच्चों ने गलती की. वीडियो इज लैगिंग. नो देयर इज नो एनी अदर टॉपिक. बच्चा वीडियो लैग कर रहा है क्या, जल्दी से बताओ. नील इज द फास्टेस्ट वन. कांग्रेचुलेशंस नील. देन वी हैव सिद्धि, फयाज, देवांश, शुभम, वैभवी, यशी, ईशा, अर्णिमा एंड किंजल. वेरी गुड, नो लैग. किसी किसी बच्चों के फोन में आई थिंक इट इज लैगिंग बिकॉज ऑफ नेट इशू. हो सकता है आपके यहाँ नेट इशू हो. बच्चा जस्ट चेक इट वंस. ए डैश इज एन एरिया वेयर एनिमल्स हैबिटेट एंड देयर सराउंडिंग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस. क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या बोथ? जल्दी, एनिमल्स और उनकी सराउंडिंग्स के बारे में बात की जा रही है. इसके बारे में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द सेशन, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. हाय त्रिशिता, हेलो बच्चे, कम ऑन आंसर मी. लेट्स सी कितने आंसर्स आए हैं. ओके, टाइम्स अप हो चुका है एंड रिजल्ट लोड हो रहा है. सो 25 ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंसर दिया है, बाकी सबका नेशनल पार्क आया. बोथ 13 बच्चों ने बताया. देखो इट इज द करेक्ट आंसर आपका होगा ए, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देखो यही काम नेशनल पार्क का होता है, बट नेशनल पार्क में आपके एनिमल्स, उनके फ्लोरा एंड फौना दोनों प्रोटेक्ट किए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस. तो करेक्ट आंसर विल बी ए. हाय अक्षरा, हाय अक्षरा, हेलो. So let's see कौन टॉप कर रहा है and who is the fastest one. Neil is the fastest one. Congratulations Neil. Very good, well done. Hi Mananjay, hello बच्चा. Question number 6 is here.
और कमंग एटलीस्ट मेक 60 प्लस लाइक, जल्दी से कर दो 60 प्लस लाइक और फटाफट से सारे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को मेंटी में बुला दो जल्दी से, कम ऑन। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात सबसे पहले हमने की थी, सबसे टॉप पे था ये नेशनल पार्क, तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या तमिलनाडु, कहां पर है? हाय शिवानी, हाय बच्चे, कहां पर लोकेट करता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ राइटर के ऊपर ये पार्क का नाम रखा गया है। 40 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज उत्तराखंड, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? आई थिंक दिस इज 7th or 6th क्वेश्चन, आई गेस। ओके, हाय मनीष, हेलो, वेलकम टू द सेशन। वी हैव मनीष एज द फास्टेस्ट वन, कांग्रेचुलेशंस मनीष। टॉपर नील, देन फयाज, देन वैभवी, दिबांश, ईशा, श्रेया, अनुष्का, सुहानी, मनीष एंड नवराज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय ध्रुति, वेलकम टू द सेशन, क्वेश्चन नंबर 7th इज हियर। गुड इवनिंग सृष्टि, हाय एवरीबॉडी, यस यू आर न्यू मनीष, वेलकम टू द सेशन बच्चे। हाय अनुष्का, हाय एवरीवन, हाय ध्रुति, हाय मोहित, आई एम एब्सोल्युटली फाइन मनंजय। गुड इवनिंग सृष्टि, डैश इज लोकेटेड विद इन द फेमस कार्डमम हिल्स एंड अराउंड द पेरियार रिवर। इतना इजी क्वेश्चन है ये कि मतलब विदाउट एंडिंग, लाइक टाइम लिमिट एंड होने से पहले ही मुझे लगता है सब आंसर कर देने वाले हैं ये कुछ इस क्वेश्चन का, बहुत इजी। यहाँ पे आपको एक्चुअली में आंसर ही दिया गया हुआ है, एक्चुअल में आंसर है, फिर भी 6 स्टूडेंट्स ने गलत किया, 40 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाय उदिति, वेलकम टू द सेशन, हाय धनविता, गुड इवनिंग, यू आर न्यू सृष्टि, वेलकम टू अन अकेडमी फैमिली, हिट द बेल आइकन और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। नील इज द फास्टेस्ट वन, कांग्रेचुलेशंस नील, जल्दी से सभी के सभी लोग, आपको क्या करना है, आपको फटाफट से जो नए बच्चे वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुंदरबंस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जल्दी से बताओ, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। हाय संगीता, यू आर न्यू हियर, हाय महेश, हाय अक्षरा, हेलो, इजी क्वेश्चन है, दनिया बोल रहे हैं, यस बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टिल आंसर्स नहीं आ रहे बच्चों के, गलत गलत आंसर कर रहे हो इतने इजी इजी क्वेश्चन पे, बताओ। अभी मैंने बताया सुंदरबन पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है, फिर भी इतने गलत आंसर्स करोगे कैसे चलेगा? यस डेनाई, आई डू रिमेम्बर यू, डेलन का भाई डेनाई, राइट। हाय सिद्धि, हाय बच्चे, इजी बट वन क्वेश्चन के गलत, होम की वजह से 21 में हूँ, अच्छा कोई बात नहीं। हाय सत्यांशु, यस तो नील इज द फास्टेस्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशन नील। देन साधना, हाय बच्चा, गोपाल इज न्यू ईयर, वेलकम टू अन अकेडमी फैमिली, जो भी बच्चा नया आया है। द पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन असम, असम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम की ये पार्क, तो कौन सा पार्क है ये असम में, काजीरंगा या सुंदरबन या फिर कान्हा? विच नेशनल पार्क इज दिस, काजीरंगा, सुंदरबन या फिर कान्हा नेशनल पार्क? मैम हु इज नील, यस मैम प्रिया हैव जॉइन, ओके धनविता आपने आज ही ज्वाइन किया, दैट्स गुड, यू आर ऑल्सो न्यू हियर साधना, सो जो भी बच्चे आज नए आए हैं वेलकम टू अन अकेडमी फैमिली और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। 38 स्टूडेंट से बिल्कुल सही ऑप्शन टिक किया, दैट इज ए, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट लेट्स सी क्या लीडर बोर्ड पे कौन कौन टॉप कर रहा है, लेट मी सी। सो नील इज द फास्टेस्ट वन, यार नील आप हर क्वेश्चन में कैसे फास्टेस्ट हो जा रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 10th इज हियर, होने की वजह से ना कि होम की, वो गलती से टाइप हो गया, अच्छा मुझे लगा होम, पता नहीं आप किसी हैबिटेट की बात कर रहे हो। चलो कम ऑन गाइस, मेक एटलीस्ट 70 प्लस लाइक और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो, आप लोग अपने फ्रेंड्स को बुला के लाया करो यार, आप लोग पता नहीं क्या करते हो, इतना
हेल्दी सा कंपटीशन रहेगा जब ज्यादा लोग होंगे तो। चलो, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका? मैम आई नो दिस इट बिकॉज आई हैव जस्ट विजिटेड देयर। ओह दैट्स गुड। बांदीपुर नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। 31 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, दैट इज ट्रू। एंड 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 लेट्स सी द लीडर बोर्ड। और हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है एज वी हैव टू मूव फास्ट। सो नील इज द फास्टेस्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, आई गेस 11th है। अभी टू मोर क्वेश्चंस टू गो और टाइम इज लाइक अभी जल्दी से टाइम खत्म हो जाएगा। तो आज हम जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। डैश वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व में डिक्लेयर कर दिया गया था। जल्दी से कम ऑन। वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व इन 1955। आई डोंट नो महेश, आपने आंसर नहीं दिया होगा मे बी, इसलिए नहीं आया राइट। ओके सो लेट्स सी, सरिस्का नेशनल पार्क बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं लीडर बोर्ड में कौन टॉप कर रहा है, लेट्स सी, और कौन फास्टेस्ट वन होगा। नील ऑलवेज यू आर द फास्टेस्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे आपको, बट यू आर लाइक हर क्वेश्चन में फास्टेस्ट वन। 12th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। डैश नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन झारखंड विच बिकेम फर्स्ट नेशनल पार्क टू बिकम टाइगर रिजर्व। तो इस नेशनल पार्क को टाइगर रिवर रिजर्व बना दिया गया था। विच इज दिस नेशनल पार्क, सरिस्का, बेटला या फिर बांदीपुर? कम ऑन जल्दी से आंसर करो, कम ऑन एवरीवन, और मेक एटलीस्ट 70+ लाइक, जल्दी से 70+ लाइक कर दो। टाइम्स अप, 28 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज बिटला नेशनल पार्क, वेरी गुड। आई डोंट नो, यू डोंट नो, कोई बात नहीं बच्चा। मोहित कह रहे थे सी, नो इट्स नॉट सी, इट्स बी बच्चा। हाय लोकेश, सो लेट्स सी, नील इज द फास्टेस्ट वन एज यूजुअल। नेक्स्ट कॉल होगा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 एंड कम ऑन गाइस, मेक इट 70+ लाइक हो जाना चाहिए। डैश इज फेमस फॉर हिप्पोपोटामस एंड व्हाइट टाइगर। फॉर गलत हो गया आपका स्पेलिंग, एफ ओ आर होनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, जल्दी से बताओ। यस, चलो जल्दी से बताओ। यस आई रोट फ्रो, आई नो दैट बच्चा। यहाँ पे तो टू एंड फ्रो मोशन कर दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं। चलो ये फॉर होगा, उससे आप मत कंफ्यूज हो जाना, दैट इज फॉर एक्चुअली। 26 लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। हाय बेटा लोकेश, वेलकम टू द सेशन। लीडरबोर्ड, लास्ट लीडरबोर्ड देखते हैं, और जैसा कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है तो इस लीडरबोर्ड के बाद हम नील, ईशा एंड फयाज। ओके सो नील, ईशा एंड फयाज, और चलो जल्दी से कर लेते हैं हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे फर्स्ट है नील, फर्स्ट इन मेंटी। ओके, डेट आज की है 25 अप्रैल, सो आई एम राइटिंग इट हियर। जल्दी से दे रही हूँ सर्टिफिकेट, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिक्लेयर भी करना है कि कौन आज सुपर विनर रहा, यानी कि बॉयज में गर्ल्स में कौन सुपर विनर रहा है। तो सुपर विनर कौन है, डेट एक्चुअली में आज 25 अप्रैल, साइन बाय मी। नेक्स्ट साइन बाय मी 25 अप्रैल, राइट। और थर्ड पे फयाज थे, थर्ड पे फयाज फॉर बीइंग थर्ड मेंटी विनर। बेटा आज मैं किसी का सेपरेट नाम नहीं लिख पाऊंगी, बट ऑल फॉर मी टू ऑल द बॉयज, आई एम गिविंग यू टू ऑल द बॉयज, आप लोग मेरे लिए सुपरस्टार विनर्स हो। आज मैं आपको सेपरेट इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम,
नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है और अब हमें रैप अप करना पड़ेगा सेशन, इसीलिए टू ऑल द गर्ल्स है ना फॉर बीइंग सुपरस्टार गर्ल्स, ऑलरेडी मैं आपने आपके 3 सेशन में नाम लिख दिए हैं बच्चों, तो आई थिंक इस सेशन में नहीं लिखूंगी तो चलेगा, पर सुपर विनर आज मुझे करना है अनाउंस, तो मैं बता दूं सुपर विनर कौन है। हमारे सुपर विनर होंगे, सुपर विनर कौन है, सुपर विनर होगा हमारे बॉयज। आज के इसमें बॉयज जीत चुके हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बॉयज, क्योंकि मॉर्निंग में जब हमने डिस्कस किया था तो गर्ल्स कितनी थी 5 राइट, बॉयज कितने थे 5 राइट, 5-5 थे गर्ल्स और बॉयज, ठीक है 5-5 थे गर्ल्स और बॉयज। अभी की मेंटी क्विज एक लड़की ने जीती और लड़के ने 2, तो ये 6 और ये 7, टोटल 7 विनर्स थे हमारे बॉयज में, तो आज के विनर्स हैं बॉयज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बॉयज। यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन कर रही हूँ, विनर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं विनर्स लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग विनर्स हो गए हो, ठीक है, 7 बॉयज विनर हुए मेंटी के, तो वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द सेशन। बेटा आई कांट गिव टॉप 10 सर्टिफिकेट यशी क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है, 7 बज चुके हैं इसीलिए, बट ऑफकोर्स मैंने आप सभी का नाम लिख दिया, ऑल का मतलब हुआ सब कोई, तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द सेशन, कल हम मिलेंगे 1 and 4 PM पर, तो बिल्कुल आना सभी लोग, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आना। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी सर्च कर सकते हो, अदर कोर्सेज में आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, और अगर आपने कॉम्बैक और AAD फीचर को अभी अवेल नहीं किया है तो उसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो PRACH। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।